आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को समेटने में लग गई हैं। अब युवा वर्ग भी मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित ठाकुर द्वारा का बालिका विद्यालय में आज छात्राओं की ओर से चित्रावली बनाई गई, जिसमें मतदान को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। गाजियाबाद की प्रथम महिला मेयर आशा शर्मा, एडीएम ऋतु सुहास ने भी शिरकत की है। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट देने जरूर जाएं। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे मतलब अलग अलग पार्टीज के सिंबल बनाए हैं। हम उसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको जो पार्टी को वोट देना है आप उसे चूज कीजिए। ये हम पूरे 6 लोगों ने बनाया है। इसका मेन उद्देश्य है जो 2022 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर जो भी हम बच्चे हैं, जो जनरेशंस न्यू जनरेशन जाने वाली है, जो लोग वोट करेंगे उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अब जो लोग आ रहे हैं हम उन्हें अपनी थीम एक्सप्लेन करें कि वोट देना कितना ज़रूरी है। तो ये बस उसी के लिए है कि हम लोग उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, हर एक वोट मैटर करता है। इसका थीम हम लोगों का ये था, मेरा वोट मेरा अधिकार। ये हम लोगों को स्कूल की तरफ से बोला गया था इसके ऊपर बनाने के लिए। और इसका मेन ये था, जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए हम लोगों को जो हमारे स्कूल में आने वाले हैं पेरेंट्स या फिर बाहर से जो आने वाले हैं उनको हमें प्रमोट करना है कि वो वोट दें, कि एक एक वोट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वोट के ऊपर ही हमारे पूरे इंडिया का डेवलपमेंट रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को प्रमोट करना था 2022 के लिए। बेटी पढ़ाओ का नारा जहां एक तरफ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा जो लगातार लड़कियों के लिए उत्साह वर्धन अपने समय से करती भी आई हैं, और यही वजह है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में भी वो हमेशा से कार्य करती भी आई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा। आइए जानते हैं उनसे, वो आज महिलाओं को लेकर जो लड़कियां आज कॉलेज में आई हैं उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है जनता टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं सच में इस स्कूल में आकर बहुत खुश मुझे महसूस होती है कि यहाँ बेटियाँ इतना अच्छा काम करती हैं। और केवल हमारा नारा ही नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने हमेशा बेटियों के उत्थान के लिए सुना है, भाजपा मैदान में, बेटी के कल्याण में, ऐसे नारों को सुन सुन के हम आगे बढ़े हुए हैं। और करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं। आज बच्चियों ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। बच्चियों ने अपने रंगोली के माध्यम से ये दिखाया है कि वोट इज अवर फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार है वोट देने का। और वोट हमें किसी समाज पर, किसी जाति पर, किसी रिलीजन पर नहीं देना चाहिए। वोट को बेचना नहीं चाहिए। वोट को हमें पैसे से, आजकल प्रलोभन चलते हैं, लैपटॉप दे देंगे, ये दे देंगे, उस तरह के प्रॉब्लम से बचकर हमें वोट सोचकर समझकर, क्योंकि शासन और सुशासन में बहुत अंतर है, हमें अच्छे सुशासन को लाना है। और मैं कहती हूं कि आपकी इस रंगोली से अगर 10% भी गाजियाबाद में वोट का इजाफा होगा तो सारा क्रेडिट मेरी बच्चियों को जाता है। लड़कियों को किस तरह से उत्साहित करेंगे चुनाव में वोट डालने के लिए? मैं लड़कियों को जैसे हम तो करते ही आ रहे हैं, बेटियों को भी, बेटी क्योंकि एक बेटी एक विद्यार्थी से 20 लोग जुड़े होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले। जब बच्ची जाकर कहेगी अपने माँ बापों को, या बेटा जाके कहेगा कि वोट डालिए और ऐसे लोगों को वोट डालिए जो भारत माता की रक्षा कर सके, तो स्वाभाविक है कि पेरेंट्स भी बदलेंगे, उनके रिलेटिव भी बदलेंगे। आज आपने देखा है 5 साल का बच्चा अगर टॉफी खाता है तो रैपर डस्टबिन में डालता है, उसकी वजह से कम हमारे 5 से 10% जो 25 और 50 साल